जैसे रणवीर सिंह को था ना कि एक ही टाइप की सीरियल उसको पसंद में आती थी जो उसकी गर्लफ्रेंड को पता था कॉन्फ्लेक्स की वो आती थी ना वो, उसी तरह से आदि को भी लिडिल की एक ही टाइप की सीरियल पसंद में आती है, तो वो मुझे आज लेने आना पड़ा सुबह सुबह, क्योंकि अभी दूसरी कोई भी सीरियल मैं लेके देती हूँ ना टेस्ट को किया वगैरह की, उसको नहीं अच्छी लगती। वो एक ही टाइप का वो जो चॉकलेट पिलो वाली आती है ना वही अच्छी लगती है। वो टेस्ट को की भी आती है पर वो नहीं पसंद, वो उसको नकली लगता है, यही कि असली लगती है। तो वो लेने आई तो अभी मुझे लगा कि आज कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो पास्ता तो बच्चों को भी पसंद है, गिरीश को भी पसंद है, तो हमारा देसी पास्ता बनाने वाले हैं, इसीलिए सारे शॉपिंग कर ली है यहाँ पे, ये सारी शॉपिंग कर ली है। इसमें हेलोपिनो स्पेशल आ गया, वो भी बहुत अच्छा लगता है शिव को, तो आज बनाएंगे पास्ता। उसको अच्छी लगती है ये वाली सीरियल, ओप्स ओ गया, यही अच्छा लगता है। ये हेजलनट वाला आता है वो नहीं, सिर्फ यही चाहिए उसको। माइक्रोवेव वाले पॉपकॉर्न भी दिख गए हैं सॉल्टेड, तो ये भी एक पैक ले लेती हूँ, ये भी अच्छा लगता है। तो स्टार्ट कर देते हैं पास्ता बनाने के लिए। देसी स्टाइल यहाँ पे उबालने रख दिए है मैंने पास्ता, पानी डाला है, सॉल्ट डाला है और ऑयल थोड़ा सा डाला है ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, अच्छे से बनके रेडी हो जाए। अभी हाई फ्लेम पे ढक देते हैं स्टार्ट करके, और उसके बीच मैं इसमें सिर्फ दो ही एक ही सॉस डालूंगी, यानी कि ये अनियन एंड गार्लिक पास्ता सॉस, ये भी लिडल से ही लिया हुआ है, और ये हेलपिनोस वो भी डालेंगे, और क्या डालेंगे, बहुत सारी सब्जियां जो मेरे फ्रिज में जो जो पड़ी है वो सारी यूज कर लेंगे, जितनी जितनी यूज हो सकती है वैसे ही, वैसा नहीं कि सब कुछ। चलो लॉटरी लग गई, कैप्सिकम बहुत सारे पड़े हुए है, कैबेज है और कैरेट है, सब ले लेते हैं। हेल्दी सी सारी हमारी सब्जियां भी तैयार है, ये सारी सब्जियां काट के रेडी की हुई है, यहाँ पे स्पिनच भी रेडी कर दी है, डिफॉल्ट स्पिनच तो होती है मेरी कोई भी रेसिपी मोस्टली में तो होता ही होता है। तो अभी बटर ले लेते हैं और ऑयल, बटर और ऑयल मिक्स करके उसका तड़का लगाना होता है, तो बहुत ही क्रीमी सी और अच्छी सी पास्ता की रेसिपी बनती है, पास्ता बहुत अच्छा सा बनता है रेसिपी। तो यहाँ पे गया ऑयल और उसके अंदर बटर, एक के बाद एक जाएगी अभी सब्जी इसके अंदर। यहाँ पे कैरेट और जो अनियन है वो पहले डाल दिया है, हाँ, तो उसके बाद सारी जो सब्जियां लेफ्ट थी वो सारी डाल दी है इसके अंदर, सॉल्ट थोड़ा सा डाला है और अभी कर देते हैं बंद, थोड़ी देर के बाद पक जाए, और उसके बाद ये डालना है पास्ता सॉस और हेलेपिनो, चॉइस, अच्छा लगता है तो डाल सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं डाल सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है पर थोड़ा ही डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आदि को फिर ज्यादा तीखा लगेगा। स्पिनच इसके ऊपर और उसके बाद डालेंगे स्पेशल थिंग जिससे देसी पास्ता हमारा बनेगा, वो क्या चीज है वो मैं दिखाती हूँ, अचार मसाला। तो अचार मसाला डालिए, पास्ता का पूरा टेस्ट ही बदल जाएगा। जिसको स्पाइसी फूड पसंद है, देसी फूड पसंद है और पास्ता भी खाना पड़ता है तो ये डाल दीजिए, एकदम इंडियन स्टाइल बन जाएगा। तो सारे वेजिटेबल्स और पास्ता सॉस सब कुछ डाल दिया है, इतनी अच्छे से कलर भी आ गए हैं। अब टाइम है हमारा अचार मसाला डालने का, बहुत ही थोड़ा डालूंगी क्योंकि ये ना बहुत स्पाइसी होता है। बस इसके अंदर अभी थोड़ा मिला लेंगे अच्छे से, और अभी डाल देते हैं पास्ता इसके अंदर, सॉल्ट डाला था वैसे इसके अंदर टेस्ट के अनुसार, अभी पास्ता। तो ये हमारे रेड सॉस वाले पास्ता देसी स्टाइल में हो गया है तैयार, बहुत ही अच्छे से फ्लेवरफुल और हेल्दी से, और गर्मा गर्म इसके ऊपर जाएगी चीज़ ताकि गर्म गर्म पास्ता हो तो मेल्ट हो जाए अच्छे से, फिर जब सर्व करें तो बहुत ही क्रीमी सा जो है वो टेस्ट आए, तो इसीलिए चीज़ डालते थे इसके ऊपर। गुड मॉर्निंग कैम छम्मा जमा, यस, रेडी फॉर पास्ता, रेडी हो देसी स्टाइल लंच टाइम, यस। तो यहाँ पे हो गए हैं हमारा पास्ता रेडी, यहाँ पे चीज बस स्टाइल ने विदेशी स्टाइल में हो करा आम आचार मसालों ने चिली ने बधु आवे ना आपड़ो, हां
ઇટાલિયન વાનગી ની તો એક બે કન નાખી દો એવું જ ને હા તો તમને લોકો ને એ ટાઈપ નું ભાવે નહીં તો થોડું દેશી કરીએ તો તમને ભાવે ને છોકરાઓ ને ભાવે એવું કરવું પડે ને પીઝા માં જ્યાં હોય ત્યાં નકો મેગી સોસ ચીલી ગાર્લિક સોસ ને ચીલી સોસ ને એવું મન ફાવે એવું નાખે લોકો તો અભી એ થોડી સી ચીઝ મેલ્ટ હો જાય ઉસકે બાદ એક્ચ્યુઅલી લે સકતે હો આપ અભી લેના હે તો મેલ્ટ હો જાય ચીઝ નહીં ખાની તો સાઈડ માં થોડું લેવાનું ને ओके मेल्ट होने लग गई है वैसे गरम गरम है तो इसलिए यम यम चोकरा ने सब ली जाए सुन ना ये लोगों का फेवरेट है पास्ता तो ठीक है तो जाई खाओ मन हां अंकल के गार्डन में आ गई हूं यहां पे वाओ देखो बैंगन आना स्टार्ट हो गए अंकल आपके तो यहां पे हरा भरा सब्जी वाला हो गया गार्डन पूरा ऊपर ही अच्छे दिन है हां जो सरस है रिंगना कैप्सिकम चिली ओ यस हाँ सब खाने के लिए हाँ अभी प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे अभी इसमें आना स्टार्ट हो गया अभी इसमें आना स्टार्ट हो गया है ना सारे चेरी टमाटो चेरी टमाटो तो हाँ ये मस्त थे जो मोटा मोटा हाँ अरे ना 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 आंटी पछी आवशु शिवन मोकलीस बपोर पछी आंटी यहाँ पे इतने टाइप के आते हैं सनफ्लावर कि बस ये छोटे छोटा है ये इससे छोटे भी आते हैं और आई थिंक ये बड़े से बड़ा ये होगा ये और वहां पे नम गया है वो कितना बड़ा हाइट भी देखो इतनी बड़ी जैसे शावर लेते हैं ना डिजाइन कितनी प्यारी बनी हुई है देखो और यहाँ पे ये छोटू सा देखो आप लोगों को ये बी से ही पता चल जाता होगा कि ये कितना छोटा है और वो कितना बड़ा था तो अभी हो रही है दोपहर की चाय का टाइम क्योंकि मैंने वॉक कर लिया एक आधा घंटा सो गई थी अभी चाय पी लेते फ्रेश होके जाती हूँ मैं बच्चों को लेने उससे पहले जो किंजल दवे वाला वीडियो था उसकी बहुत ज्यादा कमेंट आई बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा तो सबके मिक्स रिव्यूज है किसी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा किसी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा किंजल दवे का जो कंसर्ट है वो मेरा वीडियो तो अच्छा ही लगा भगवान की दया से भाई तो वो तो अच्छा लग रहा है तो वो अच्छी बात है पर एनीवे सब लोगों का थॉट्स डिफरेंट होता है ना कि तो ये तो थी हमारी प्री नवरात्रि अभी आगे मैं देख ही रही हूँ किसी को पता है ये प्री नवरात्रि यहाँ पे कहीं पे और जगह पे होने वाले है तो प्लीज कमेंट में बताइए मैं मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है प्री नवरात्रि पे तो जाऊंगी वहां पे तो बहुत ज्यादा धूम मचेगी नवरात्रि में पर प्री नवरात्रि में ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ अभी यहाँ पे इस साल अगर हो तो प्लीज कमेंट में बताना तो हम सब लोग जाएंगे अगर जा सके तो और बहुत सारे लोग मुझे मिले किंजल दवे के लाइव कॉन्सर्ट में तो बहुत अच्छा लगा सब लोगों ने फोटो खिंचवाए सब लोगों ने हाय हेलो किया बातें की बहुत सारी हम लोगों ने सो थैंक यू सो मच अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो इस तरह से जब भी आप लोग मेरे पास आते हो बुलाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम कनेक्टेड विथ यू गाइज सो थैंक यू सो मच ऐसे ही प्यार दिया कीजिए इसी तरह से वीडियो को भी प्यार बहुत ज्यादा दिया कीजिए और फटाफट से 100 के हो जाए उतना सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए चाय पीने फटाफट से पी लेते हैं फिर जाते हैं बाहर धूप भी तुली है तो हमारे कपड़े वपड़े अच्छे से सूख जाए और मैंने गेंदे के फूल गेंदा ही बोलते हैं ना फिर से मैं रोग ना बोल दूं तो वो रखे हुए है ताकि सूख जाए अच्छे से नेक्स्ट ईयर के बीज जो है वो तैयार हो जाए हमारे व्हाट मम्मा लुक आई कैन डू दिस यहां पे ड्रॉ कर रहा है आदि और देखो ये आदि तू जमे तो पोतू करे के नहीं थई जाए पोतू यू डोंट नीड टू रब गॉड I ripped it this part, but it's gone. Okay. Where is it? Can we drink hot chocolate? What? Can I drink hot chocolate? Hot chocolate? क्या थी तने पीवी छे? It's not a Christmas yet, Adi. But I'm really cold. You really cold? Cold हुए इतने hot chocolate पीवाने? ये है British boys. जरा सी ठंडी देखी नहीं और हॉट चॉकलेट याद आ जाती है देखो इन लोगों को वाह तू बना अपने बनने पी यार यस आर यू गोइंग टू मेक फॉर मी एंड योरसेल्फ नो व्हाई नॉट बिकॉज़ आई डोंट नो हाउ टू कुक कुक थोड़ी करवानी हुई हॉट चॉकलेट ने खाली वार्म करवानो है मिल्क या हमने बनाई दो वेट कर चल तू मन हेल्प करिस ओके यहाँ पे ये बाप बेटे को तो इसमें ही मजा आ जाता है
अभी ये पुल ना पूरा भीग गया था, 2 दिन से बारिश थी तो वहाँ पे सुखाने रखा है। आई विश कि कल सुबह तक सूख जाए तो वापस रख दे, क्योंकि अभी ये कोई खेलने में नहीं आएगा पुल। समर फिनिश है ना? यस, गया समर। हाँ तो पुल बुल रख देते हैं कल वापस। वो प्रॉब्लम था ही नहीं, मतलब प्रॉब्लम थी। चल अपने हॉट चॉकलेट बनाइए। I'm serious right now। चल गटुड़ी पंद्रह आदि हॉट चॉकलेट से नु बने एंड अभी वीडियो का एंड यही पे करती हूँ। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है। अगर लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।